हिंदू धर्म में ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिन्हें करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, साथ ही ग्रह बाधा भी दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल से व्यक्ति का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। कुंडली में स्थित ग्रह जब शुभ परिणाम देते हैं तो जातक को जीवन में खुशहाली नजर आती है। वहीं जब शनि और राहु केतु जैसे ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं तो व्यक्ति का जीवन अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा होता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह की अशुभ दशा को शांत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ उपाय काफी महंगे होते हैं जो कि सबके लिए सुलभ नहीं हो पाते। ऐसे में जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष आचार्य रवि शुक्ला से कि ग्रह की दशा को शांत करने का आसान और सरल उपाय क्या है। ब्रह्मा मुरारी स्थिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख बने रहते हैं। इसमें हमें सुख पाने के लिए ग्रहों की उपासना बताई गई है। हर व्यक्ति किसी ना किसी ग्रह से पीड़ित है, रखना पड़ेगा। तो शांति पाने के लिए मनुष्य ग्रहों का उपाय किया करता है। इसमें सभी ग्रहों के अनुसार पशु पक्षी मछली इन सबको यदि दाना पानी दिया जाए तो भी ग्रहों का स्वभाव शांत हमारे प्रति हो जाएगा। जैसे कि काग ग्रास पितरों को तो शांत करता ही है, काग ग्रास से शनि की भी शांति मिलती है। गैया को गुड़ खिलाने से देवगुरु बृहस्पति शनि और मंगल ये ग्रहों के प्रति भी शांत स्वभाव हमें प्राप्त होता है। इन ग्रहों का हमारे लिए सुखद परिणाम शुरू हो जाता है। काली गाय को यदि शनिवार के दिन गुड़ खिलाया जाए तो शनि की शांति होती है। मंगलवार को लाल गाय को यदि गुड़ खिलाया जाए तो हमें मंगल ग्रह की शांति प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन यदि चने की दाल के साथ में गुड़ खिलाया जाए तो बृहस्पति हमारे प्रति शांत स्वभाव रखते हैं। इसी प्रकार से यदि चींटियों को शनिवार मंगलवार के दिन आटा शक्कर या कुछ भी ऐसा डालते हैं, मीठा डालते हैं, तो राहु केतु की शांति मिलती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और मछलियों को दाना डालने से, मछलियों को भोजन कराने से सभी ग्रहों की शांति मिलती है, क्योंकि जितने प्रकार के जितनी रंगों की मछलियाँ होती है उन रंगों का उन ग्रहों से संबंध होता है। और जो मछली आपका अन्न दाना पानी जो भी ग्रहण करेगी वो ग्रह आपके प्रति शांत स्वभाव के हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने ग्रहों ने हमें हर व्यक्ति से हर जीव से जोड़ रखा है। यदि हम जीव की सेवा करेंगे तो हमें उसका उत्तम फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।